हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। बार का लाइसेंस नहीं, फिर भी होटलों पर भोजन के साथ परोसी जाती है शराब। शहर में कई दुकानों पर भोजन के साथ शराब और बियर परोसी जा रही है, वहीं इन होटल संचालकों के पास बार का कोई लाइसेंस भी नहीं है। ऐसा ही मामला सामने आया है जब स्वास्थ्य विभाग की टीम शहर के रेलवे स्टेशन स्थित जय हिंद होटल पर पहुंची, जहां स्वास्थ्य विभाग को भरपूर अनियमितताएं देखने को मिली। वहीं होटल का फर्श बियर की खाली बोतलों से सना हुआ मिला, जिस पर खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने होटल संचालक से बार के लाइसेंस और फूड लाइसेंस के बारे में, होटल में और होटल के बाहर फैली गंदगी के बारे में पूछा, लेकिन होटल संचालक की तरफ से कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिला। गौरतलब है कि जय हिंद नामक होटल शहर के मुख्य अहिंसा चौराहे पर स्थित है, जो कि देर रात तक खुली रहती है। वहीं यहां भोजन के साथ शराब परोसने का सिलसिला देर रात तक जारी रहता है, क्योंकि ये शहर के मुख्य चौराहे पर है। इस वजह से रात पुलिस गश्त सहित अन्य अधिकारियों का भी इस मार्ग से आवागमन होता रहता है। वहीं कई बार शिकायतों के बावजूद भी संबंधित होटल संचालक के खिलाफ किसी तरह की कार्यवाही अमल नहीं ले जा रही है, जो बाड़मेर प्रशासन पर एक बड़ा सवाल खड़ा करता है। दरअसल बलदेव नगर के निवासियों की शिकायत पर जिला कलेक्टर के निर्देश अनुसार स्वास्थ्य विभाग की टीम बलदेव नगर स्थित मीट की दुकानों की जांच करने पहुंची थी, जहां अनियमितताएं पाए जाने पर एमके फिश पोल्ट्री, गुलाम हैदर मीट शॉप, नेशनल मीट, आजाद पोल्ट्री फॉर्म को स्वास्थ्य विभाग द्वारा नोटिस थमाया गया और 3 दिन में अनियमितताएं ठीक करने और नियमों के विरुद्ध मीट शॉप्स का संचालन करने पर शॉप सीज करने की चेतावनी भी दी गई। स्वास्थ्य और मुख्य चिकित्सा अधिकारी कमलेश चौधरी ने बताया कि जिला कलेक्टर को मिली शिकायत और उनके निर्देश अनुसार स्वास्थ्य विभाग की टीम ने बलदेव नगर स्थित मीट की दुकानों की जांच की, जिसमें मीट की दुकान नियम अनुसार नहीं मिली। संबंधित दुकानों को विभाग द्वारा 3 दिन का नोटिस दिया गया है। CMHO ने कहा कि 3 दिन में सुधार नहीं करने पर नियम अनुसार कार्यवाही की जाएगी। वहीं जय हिंद होटल के बारे में पूछने पर उन्होंने कहा कि संबंधित होटल संचालन को पूर्व में भी कई बार नोटिस दिए गए हैं। खाद्य सुरक्षा के लिहाज से होटल में कई अनियमितताएं पाई गई हैं। वहीं भोजन के साथ परोसी जा रही शराब के बारे में पूछा जाने पर CMHO कमलेश चौधरी ने कहा कि होटल संचालक के पास बार का लाइसेंस है या नहीं है, पहले ये जांच की जाएगी। अगर नहीं है तो आबकारी विभाग को सूचना देकर होटल संचालक के विरुद्ध आबकारी अधिनियम के अंतर्गत कार्यवाही की जाएगी। कार्यवाही के दौरान CMHO कमलेश चौधरी, खाद्य सुरक्षा अधिकारी भूराराम गोदारा, पशु चिकित्सा डॉक्टर अजय गोस्वामी, नगर परिषद के स्वास्थ्य निरीक्षक भगवान दास धारू और सदर पुलिस का जाप्ता मौजूद रहा। बाड़मेर से जागरूक टीवी की रिपोर्ट।